हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहां उनके पास अपना खुद का पेरिस शहर है। ये है तो अफ्रीकन देश लेकिन यहाँ की सोच पोर्तुगीज है। अफ्रीका का एक ऐसा देश जहाँ की राजधानी दुनिया का सबसे महंगा शहरों में शुमार है। उस देश में किसी भी सरकारी ऑफिस के सामने ना तो आप कैमरा लेकर जा सकते हैं ना ही मैप, क्योंकि इसे इस देश में क्राइम माना जाता है। आज से कुछ साल पहले तक जो भी इस देश की करेंसी को देश से बाहर लेकर जाता था उसे क्रिमिनल माना जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोगों के चेहरे पर हर समय मुस्कान नजर आती है। एक ऐसा देश जो अपनी अलग अलग स्पीसीज के लिए पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। यहाँ के लोगों का एक ही फंडा है लाइफ में, खुद भी जियो और हमें भी जीने दो और साथ में पीने दो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अंगोला की। तो साहब देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अंगोला की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अंगोला और देश की पॉपुलेशन है तकरीबन 63 करोड़। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में अंगोला 44वें नंबर पर आता है। ये देश अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है जिसकी बॉर्डर नामीबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ के 68% लोग शहर में रहते हैं जबकि 32% लोग गांव में ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों आपने यूरोप के पेरिस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे अफ्रीका का पेरिस। अंगोला देश की राजधानी लुआंडा को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पेरिस कहा जाता है। ये शहर वाकई में इतना खूबसूरत है कि हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये शहर बहुत ही महंगा भी है। यहाँ घर लेना मानो महल लेने के बराबर है। वैसे तो है ये अफ्रीका का एक बड़ा सा देश, लेकिन दोस्तों यहाँ बोली जाती है पोर्तुगीज भाषा। जी हाँ, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा लोग पोर्तुगीज लैंग्वेज में ही बोलते नजर आएंगे। वैसे बता दूं कि एक और भाषा है इस देश की और वो है बांटू। हालांकि बांटू ज्यादातर देश के रूरल एरिया में बोली जाती है। साथ ही अंगोला में ईसाई धर्म को मुख्य तौर पर माना जाता है जहां के 55% लोग इस शहर को मानते हैं। दोस्तों जानते हैं इस देश के लोगों के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि यहाँ के लोग कभी भी बहुत आगे का नहीं सोचते और न ही जो हो गया उसे लेकर बैठते हैं। यहाँ के लोग बस एक ही बात जानते हैं कि अपना प्रेजेंट कैसे बेहतर करके रखना है। अपनी लाइफ को अगर अच्छा करना है तो प्रेजेंट को बेहतर कीजिए, और यहाँ के लोगों की मेंटालिटी है जो कि वाकई में बहुत ही अफेक्ट अच्छी है। अंगोला को युवाओं का देश कहा जाता है क्योंकि इस समय इस देश का औसतन उम्र है 24 साल। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका का ये एकमात्र ऐसा देश है जो कि अपने युवाओं को सही रास्ते में ले जाने का काम कर रहा है। तभी ये उम्मीद किया जाता है कि आने वाले समय में इस देश की हालत और बेहतर होने वाली है। दोस्तों अगर आप कभी भी अंगोला गए घूमने के लिए तो एक बात आप हमेशा जरूर याद रखिएगा कि इस देश के सरकारी बिल्डिंग के आसपास कभी भी आप कोई भी कैमरा या जीपीएस या मैप का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको तुरंत वही अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि इस देश में एक नियम ऐसा है कि यहाँ पर किसी के लिए भी कैमरा या जीपीएस या मैप लेकर सरकारी दफ्तर में घुसना मना है। अगर किसी ने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो समझ लीजिए कि वो तो गया, उसे कम से कम 7 सालों तक जेल की सजा काटनी होगी। और ये नियम टूरिस्ट्स पर भी लागू है। ना जाने यहाँ के सरकारी दफ्तरों में ऐसी क्या छुपा है कि इतना सख्त कानून है। वेल, यहाँ के लोगों के लिए साल 2012 तक यहाँ की करेंसी देश के बाहर ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। कोई भी इंसान इस देश की करेंसी अंगोला से लेकर नहीं जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी इस नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता था उसे उसी समय जेल में बंद कर दिया जाता था। अंगोला की एक और बात जो आपको बहुत रोमांचित कर सकती है वो ये कि इस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती हैं। वैसे ये हाल तो हालांकि पूरे अफ्रीका का है, लेकिन अंगोला देश में ज्यादा है ये। इतना ही नहीं, यहाँ जो खेती बाड़ी की जाती है उसमें भी महिलाएं ही सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं। एक तरफ से कहा जाए तो 70% महिलाएं ही यहाँ पर काम करती हैं और सिर्फ 30% मेल हाथ बटाते हैं। अंगोला देश के लोग डांस करने में माहिर माने जाते हैं, तभी तो यहाँ का एक डांस जिसका नाम है सैम्बा जो कि बहुत फेमस है। यहाँ के लोग हर वीकेंड पर जमकर पार्टी करते हैं और सैम्बा डांस परफॉर्म करते हैं, और इस डांस का मतलब है टचिंग ऑफ दी बैलेंस, यानी कि चिपक चिपक कर डांस करना। अंगोला के लोगों को सोशल मीडिया पर समय बिताना बहुत पसंद है। यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ के लोग बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं और किसी को कुछ भी शेयर करना होता है तो ये सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं।
दोस्तों अंगोला में एक ऐसी ट्राइब पाई जाती है जो कि सबसे अलग होती है, उनकी सोच सबसे अलग होती है। दरअसल यहाँ पर एक दूसरे की बीबी को भगाया जाता है। साल में एक दिन इस जाति के लोग दूसरों की बीबी को भगाने का खेल खेलते। इस खेल में होता यह है कि आपको दूसरे मर्द की बीवी को पटाना है और उसे वहाँ से भगाना है। जी हाँ, पर यह खेल इतना आसान नहीं होता। लड़के खेल खेलने के लिए लड़के बड़े सज संवर कर आते हैं और इन आदिवासियों में उन लड़कों को सबसे खूबसूरत माना जाता है जिनके दांत सबसे ज्यादा साफ यानी कि सफेद होते हैं। आपको किसी दूसरे की बीवी को इम्प्रेस करना होता है और उसके बाद उसे अपने साथ भगाने के लिए मनाना होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर बीवी के पति ने आपको बीवी भगाते पकड़ लिया तो फिर शुरू होती है असली लड़ाई। तलवार भला सब कुछ इस लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में किसी एक की जान जाना तो तय है। एक और बात जो इस देश की सबसे अलग है वो है कि यहाँ किसी को अगर ये बताना है कि वो जवान हो गया है तो उसे सात गाय की पीठ के ऊपर से चलकर जाना होता है। जी हाँ, सात गाय। ऐसा करने पर उसे जवान माना जाता है और वो मनचाही लड़की के साथ अपना जीवन बिता सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे आईपीएल के दौरान चीयर लीडर डांस करती हैं, वैसे ही जब कोई लड़का गाय के पीठ के ऊपर से गुजरता है उस समय लड़कियां उसके सामने डांस करती है और उससे कहती है कि अगर तुमने ये परीक्षा पास कर ली तो मैं अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें समर्पित कर दूंगी। लेकिन अगर लड़का गाय के पीठ से नीचे गिर जाता है तो फिर अगले ही साल वो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले पाता है। आपको बता दें कि अंगोला एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग किसान हैं और खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं। सरकार भी यहाँ के लोगों को खेती में मदद करती है। सबसे अच्छी बात है कि ये देश इस तरह की चीजों की खेती करके न सिर्फ अपने लोगों का पेट भरते हैं बल्कि ये विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं। तभी तो ये देश एग्रीकल्चर में अफ्रीका के किसी भी देश के मुकाबले कहीं बेहतर है। अंगोला देश में सबसे ज्यादा केला, कॉफी, सीजल और गन्ने, रेयर्स, लाइव स्टॉक, कैचर्स, फिश का प्रोडक्शन किया जाता है। इस सभी प्रोडक्ट को अंगोला की सरकार दुनिया के अलग अलग कोने में एक्सपोर्ट करती है और पैसे बनाती है। कहते हैं कि यहाँ के केले सबसे बड़े होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत बड़ी डिमांड है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में। यहाँ की कॉफी भी दुनिया भर में फेमस है और खासतौर पर यूरोप में इन्हें सप्लाई किया जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ की इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ी होती हैं। अंगोला देश में हीरे, आयरन और फास्फेट, पेट्रोलियम, फॉल्डस्पार, बॉक्साइट, सोना और यूरेनियम के प्लांट आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे। इन चीजों का प्रोडक्शन भी बड़े लेवल पर किया जाता है ताकि इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सके। अंगोला का खाना बहुत ही लजीज होता है। यहाँ के लोग बहुत ही कमाल के डिशेस बनाते हैं। सबसे ज्यादा लोगों के बीच में चिकन खाना फेमस है। यहाँ पर पोर्क भी बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों चूंकि एजुकेशन रेट यहाँ की बहुत ही कम है, दैट इज 67% ओनली, ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में काला जादू का बहुत क्रेज है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर हर किसी को रातों रात अमीर होना होता है और ऐसे में सबको अपने से ही कहीं ज्यादा कालू जादू पर भरोसा होता है। अब इन्हें कौन समझाए कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं रात में 12 घंटे तक आग जलाकर अपने बालों को खोलकर नाचती हैं और ये सोचती है कि बहुत जल्द उनकी लाइफ बदल जाएगी। कई बार होता है ऐसे देशों में जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अफ्रीका में तो इस तरह की प्रैक्टिस बहुत ही कॉमन मानी जाती है। इसके साथ ही अंगोला में कई बार डोमेस्टिक वायलेंस की घटना भी सामने आई है। आपको बता दूं कि इस देश में एक बहुत ही अजीब सी मान्यता है और वो ये है कि जब भी किसी लड़की की शादी होने वाली होती है उसे एक महीने पहले से ही एक ऐसे रूम में बैठा दिया जाता है जहां से वो बाहर न निकल सके। इस रूम में लड़की अकेले बैठी रहती है और साथ ही साथ उनकी मम्मी रोज शाम को धुएं की आरती करती है। मान्यता है कि ऐसा करने से लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ फिट हो जाते हैं और साथ ही जल्दी से बच्चे को भी जन्म दे पाते हैं। लेकिन अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले हेल्थ के मामले में अंगोला देश की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ की औसतन उम्र है 61 साल। वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग आपको सुबह शाम दौड़ते हुए दिखते हैं। आप जब भी अंगोला जाओ तो लुआंडा शहर जाना मत भूलना, क्योंकि बाकी अंगोला एक तरफ और लुआंडा शहर एक तरफ। यहाँ की लड़कियाँ कमाल की होती हैं। यहाँ के कई सारे बार को लड़कियाँ ही चलाती हैं ताकि लड़कियों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ को इकट्ठा किया जाए। वैसे तो पूरे अफ्रीका में ही कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन लुआंडा में आपको क्राइम का कोई डर नहीं है। यहाँ तो देर रात तक भी लोग पार्टी करते हैं, रोड पर वॉक करते हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। दोस्तों अगर आपको जानवरों को देखने का शौक है, नेचर के नजदीक रहने का शौक है तो आप इस किसामा नेशनल पार्क में जरूर आएं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। दिन में आप यहाँ सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं तो रात में भी कॉटेज में रुक सकते हैं। कमाल की जगह है ये। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ के नेशनल पार्क में जब आप रहते हैं तो रात में होने वाले बॉनफायर का मजा आपको चरम पर मिलता है।
रात के समय आपको घने जंगल में सोने का मौका मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और अंगोला में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा मिलने में लगभग 3 से 4 महीने लग सकते हैं, और अगर आप अकेले हैं तो आपको अंगोला घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,62,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, अंगोला की करेंसी है अंगोलन क्वांजा, जिसकी वैल्यू लगभग 0.14 भारतीय रुपीस के बराबर है। तो दोस्तों, ये था अंगोला। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।